हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो सुबह का बज रहे हैं 5 और मैं उठ चुकी हूँ। और देखिए बच्चे सो रहे हैं, इन लोगों का एग्ज़ाम चल रहा है, तो मैं चली अब नाश्ता बनाने। तो देखिए अभी भी अंधेरा है हल्का सा, अभी पूरा गर्मी आया नहीं, तो हल्का अंधेरा रहता ही है। तो मैं क्या बनाऊँगी, मैं बनाऊँगी पूरी। तो पूरी की तैयारी मैं कर चुकी हूँ, इधर कढ़ाई भी चढ़ा दी हूँ। सुबह बहुत जल्दी रहता है नाश्ता बनाने का, तो देखिए मैं फटाफट पूरी बना लूँगी कि मेरे बच्चे लोग ले जाए। सब्जी मैं पहले से बना ली हूँ और बना के रख दी थी रात को इन लोग के लिए, बस पूरी बनाना है। तो मैं फटाफट पूरी बना के तैयारी कर लूँगी। तो सुबह सब सोए रहते हैं, मैं ही सुबह सुबह उठती हूँ, उसके बाद में नाश्ता सब बनाती, तो सब उठते हैं। और मेरे घर में काफ़ी लोग हैं, लेकिन जिसको जब समय मिलता है उठता है, लेकिन मैं अपना टाइम से उठ जाती हूँ क्योंकि मेरे बच्चे लोग को स्कूल जाना रहता है। तो देखिए पूरी भी मैं कढ़ाई में डाल दी हूँ, तो तेल गर्म हो चुका है और देखिए किस तरह से पूरी कितना अच्छा गोल गोल पक रहा है। तो आप लोग भी ऐसी पूरी बनाइएगा, अपने बच्चे लोग को अच्छा अच्छा नाश्ता बना के दीजिए, जिससे उन लोग को खाने में मन भी लगेगा और पढ़ाई में भी मन लगेगा। नहीं तो क्या करते हैं, बचा के ले आते हैं। नाश्ता बन के तैयार हो चुका है, अभी तक मैं गर्म पानी पी लेती हूँ। गर्म पानी आपको हमेशा पीना चाहिए, पेट सही भी रहता है और सेहत भी अच्छा रहता है, और पतला होने में तो बहुत ही हेल्प करता है। तो मैं गर्म पानी पी ली हूँ, अब मैं नहा धो के तैयार हो जाऊँगी। तो मैं नहा ली हूँ, अब नहा के मैं पूजा पाठ कर लूँगी। मेरा रोज का आदत है कि मैं नहा के पहले पूजा पाठ करके ही फिर दूसरा नाश्ता बनाती हूँ। तो मैं दूसरा नाश्ता बनाने चला जा रही हूँ। तो दूसरा नाश्ता में बनेगा पोहा। तो देखिए इधर मैं कढ़ाई चढ़ा दी हूँ, अब मैं कढ़ाई में डालूँगी रिफाइंड तेल। आप रिफाइंड तेल में ही पोहा बनाएं, जिससे क्या होता है टेस्टी होता है। और तेल गर्म हो चुका है, इसमें हम डाल दिए हैं जीरा। अब इसमें हम डालेंगे करी पत्ता, डाल देते हैं, सही है, फूट रहा है। और इसमें हम डालेंगे जितना कटा हुआ हम प्याज, हरी मिर्च और टमाटर वगैरह सब डाल के इसमें हम डाल के अच्छे से इसको भून लेंगे। तो देखिए अच्छे से ये भुना जा रहा है। अब इसमें हल्दी नमक हमने डाल दिया है, अब इसे पकने के लिए हम छोड़ देते हैं काफ़ी देर, थोड़ा देर तक ये पक जाएगा, उसके बाद हम इसमें डालेंगे चूड़ा। तो इधर मैंने बादाम भी भून के रख लिया पहले से, तो चलिए अब इसमें हम डाल देते हैं चूड़ा। तो देखिए पक गया है, अब इसमें हम डाल देंगे चूड़ा जो धो के हमने रखा था। ये मार्केट वाला नहीं है, ये हम गाँव से लाते हैं। तो देखिए पोहा को हमने डाल दिया, अब इसे अच्छे से हम भूनेंगे। तो अच्छे से आप इसे मिला दीजिए, नमक तो हमने पहले ही डाल दिया था, अगर आपको नमक कम लगे तो बाद में भी आप डाल सकते हैं। तो देखिए इसे जिस तरह से मैं बना रही हूँ उसी तरह से बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी होता है और ज़्यादा इसमें मेहनत भी नहीं लगता, फटाफट बन जाता है। सुबह का नाश्ता की तो बेस्ट है। तो देखिए